जो कि अस्वस्थ चल रहे हैं लेकिन फिर भी हमारे बीच में उपस्थित हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अपनी सेवाएं दे रहे हैं, इस तरह की जिम्मेदारी निभाते हुए श्री कृष्णन जी। दीपक रेड हर्षवर्धन ब्लू राउंड वन। और जूरी में इस समय अपनी भूमिका निभा रहे हैं श्री कृष्ण चंद्र जी, जो कि अस्वस्थ हैं लेकिन अपनी सेवाएं दे रहे हैं। सेकेंड साउंड राउंड टू। हेलो हेलो,
हमारे जो टेंट के प्रभारी हैं, कृपया वो हमारा जहाँ पर भोजन का स्टॉल लगाया है वहाँ चले जाएं, ताकि वहाँ की व्यवस्था सुनिश्चित कर सकें। टेंट प्रभारी जहाँ कहीं भी हों, यदि उत्तर मेरी आवाज जा रही है तो कृपया आप भोजन काउंटर पर चले जाएं, वहाँ पर अपनी व्यवस्था देख लें। हमारे भोजन के प्रभारी आदरणीय श्री कीर्ति वर्मा जी वहाँ पर उपस्थित हैं, वो आपका सहयोग भी करेंगे। कृपया आप अतिशीघ्र उक्त स्थल पर पहुँच जाएं। वेरी गुड। जो आ रहे हैं तो वो सभी लोग अपना पंजीकरण अतिशीघ्र करा लें। हमारे पंजीकरण काउंटर पर सभी हमारे खेल प्रशिक्षक बैठे हुए हैं, हमारे जितने भी लोग वहां पर ड्यूटी पर लगे हैं, जो अधिकारी कर्मचारी वहां पर ड्यूटी पर लगे हुए हैं, वो सब वहां पर तैनात हैं। आप अपना पंजीकरण अपने टीम मैनेजर्स के माध्यम से अतिशीघ्र करा लें, ताकि उसी पलों के पश्चात आज की मुख्य अतिथि महोदया यहाँ पर उपस्थित हो जाएंगी और आज की खेल विधाओं का आप शुभ शुभारंभ यहाँ पर कर सकें। खेल महाकुंभ स्पोर्ट्स स्टेडियम हल्द्वानी में आयोजित किया जा रहा है और कुछ ही पलों के पश्चात आज की इस खेल विधाओं का शुभारंभ हो जाएगा। तो सभी पंजीकरण पर बैठे हुए हमारे कार्मिक जो भी हैं, वो अतिशीघ्र अपनी अपनी जो टीम विधा उन्हें सौंपी है उसका बहुत बड़ा किनारे आ जाना। माननीय मुख्य अतिथि महोदय का आगमन हम सभी को उत्साहित कर रहा है। सौभाग्य से माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष नैनीताल श्रीमती बेला तोलिया जी हम सभी के भी इस समय उपस्थित हो चुके हैं। हमारे बच्चे तालियों से जोरदार स्वागत करेंगे मुख्य अतिथि महोदय का, और बच्चों की तालियां आज थोड़ा सा कम है। बच्चे अपने दोनों हाथ रेज करेंगे, रेज योर हैंड्स, एक बार अपनी अंगुलियां थिरका के दिखा दीजिए इस तरह से दोनों। ये देखिए इतनी सुंदर आपकी अंगुलियां हैं और क्लैपिंग थोड़ा कम है, तो हम क्लैप करेंगे स्काउट का। यस स्काउट क्लैप गो। थैंक यू। अब हमें लगा कि माननीय मुख्य अतिथि महोदय के आगमन से आप सभी खुश हैं, तो देखिए कितना स्नेहिल व्यक्तित्व है, और आप सभी बच्चों की तरफ देख भी रही है कि बच्चे कितने अच्छे मनोबल के साथ आज यहाँ पर उपस्थित हैं। सौभाग्य से विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारी क्षेत्र पंचायत प्रमुख हल्द्वानी माननीय रूपा देवी जी का आगमन सुनिश्चित हुआ है। एक बार हम हैंड्स ऊपर कर लेंगे और हमारी विशिष्ट अतिथि महोदया के लिए भी इसी तरह से क्लैप करेंगे। क्लैप गो। थैंक यू। और हमारे दोनों ही आज के मुख्य अतिथि महोदया विशिष्ट अतिथि महोदया का सम्मान हमारे बच्चों ने किया, और हम जिला युवा कल्याण अधिकारी महोदय श्रीमान प्रतीक जोशी जी की तरफ से, आदरणीय डी एन कांडपाल जी और कीर्ति वर्मा जी की तरफ से आप मुख्य अतिथि महोदय विशिष्ट अतिथि महोदया का स्वागत अभिनंदन करते हैं। ये बहुत ही सौभाग्य की विषय है कि मुख्य विशिष्ट अतिथि महोदया के पति हमारे बीच में आज हैं, आदरणीय भुवन प्रसाद जी, हम उनका भी स्वागत अभिनंदन करते हैं। तो आप भी सर विशिष्ट अतिथि दीर्घ अपना स्थान लेंगे। आदरणीय भुवन प्रसाद जी हम सभी के बीच इस समय उपस्थित हैं, उनका स्वागत और अभिनंदन हम सभी कर रहे हैं। हमारे बच्चे जो यहाँ पर आज उपस्थित हैं, सबसे पहले
माननीय मुख्य अतिथि महोदय के प्रति हम कृतज्ञता ज्ञापित करेंगे। सर्वप्रथम पुष्प गुच्छ देकर माननीय जिला युवा कल्याण अधिकारी महोदय उनका पुष्प गुच्छ से स्वागत और अभिनंदन करेंगे। पुष्प गुच्छ इस समय जिला युवा कल्याण अधिकारी महोदय द्वारा माननीय मुख्य अतिथि महोदय को भेंट किया जा रहा है। हम सभी उत्साहित और जोरदार तालियों से इन पलों को वंदित करेंगे, अभिनंदित करेंगे। बहुत ही गरिमामयी क्षण और एक बहुत ही सरल और सहज व्यक्तित्व माननीय अध्यक्ष जिला पंचायत नैनीताल का गरिमामयी सानिध्य हम सभी को प्राप्त हो रहा है। हम निवेदन करेंगे एक बार फिर जिला युवा कल्याण देकर माननीय क्षेत्र पंचायत प्रमुख रूपा देवी जी का, जो आज के हमारे विशिष्ट अतिथि हैं, उनका स्वागत और अभिनंदन करेंगे। ये बहुत ही सौभाग्य भागशाली क्षण, बच्चे जोरदार तालियों से इन पलों को वंदित कर रहे हैं। हमारे बीच में आदरणीय प्रसाद साहब यहाँ पर मौजूद हैं और पुष्प गुच्छ देकर आदरणीय डीएन कानपाल जी उनका स्वागत अभिनंदन करेंगे। हमारे रूपा देवी जी जो हमारी क्षेत्र पंचायत प्रमुख है, उनके पति आदरणीय प्रसाद जी हमारे बीच में हैं, जोरदार तालियों से उनका स्वागत और अभिनंदन करेंगे। बहुत ही स्नेहिल क्षण, बढ़िया नजदीक से करना पंकज आजा, पंकज कुमार, पंकज कुमार कौन है? आ गया अभी, यहीं पर तो था। सर को बोलना पंकज। हाँ हाँ, सिल्वर सिल्वर सिल्वर। पैसे अभी जब वो आ जाएंगे ना खजांची। फुटबॉल के प्रतिभागी यहां पर मैदान पर रजिस्ट्रेशन कराते हुए इस समय हमारे ऑफिशियल भी यहां पे खड़े हैं। मिस्टर डीएस जीना कृष्णन धान सिंह, ये फुटबॉल मैच के प्रारंभ में मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पे सचिव, खंड शिक्षा अधिकारी, ब्लॉक कोऑर्डिनेटर अजय कुमार जी, और इस चीज का ध्यान रखना बेटा, जो बच्चा हमारे जगह नहीं निकला वो पूरी टीम बाहर, इसलिए पहले चेक करेंगे। अरे वाह, आज मैंने पांडे जी को भी कैद कर लिया। आप
आप खिलाना खिलाना भाई उसके साइड से आधी आधी को लगा देंगे। गुड मॉर्निंग मैम। नमस्कार मल साहब, हम आपके फोटोग्राफ देखते हैं, वीडियो देखते हैं, आपने बहुत अच्छी एकेडमी बनाई है। आपके बगल में ये बच्ची है, मैं इसकी भी बड़ी तारीफ अखबार में फोटो देखे। बेटे आपका नाम क्या है? निकिता चंद है। हाँ, तो आप दिखने में बड़ी सुंदर हैं, तो आप बॉक्सिंग में क्यों आए? बॉक्सिंग तो चेहरे खराब होने का भय रहता है। मैं बॉक्सिंग में एक्चुअली 5 ने मुझे फिटनेस के लिए डाला था, फिर मैं बॉडी फिट के लिए उसकी वजह से गई थी। और फिर धीरे धीरे बॉक्सिंग में 5 ने बेसिक से मैंने देखा, जो मेरे सीनियर आते थे एक दो, उनसे सीख सीख के मैंने बॉक्सिंग स्टार्ट। अच्छा, बॉक्सिंग में आने का श्रेय आपके इमल साहब यानी आप फूफा जी हैं आपके, इन्हें जाता है। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। ये बताइए, अभी हम अखबार में सुन रहे थे आप नेशनल में भी प्रतिभाग किया, उसमें क्या पोजीशन रही आपकी? मेरा गोल था जो जूनियर गर्ल्स नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप हुई थी मणिपुर इंफाल में जी, उसमें मेरा गोल मैंने था 60 kg में मैंने खेला था लाइट वेट, और उसमें मेरा गोल था। बहुत अच्छी बात है, आप तो बहुत सम्मानित बालिका कही जाएगी हमारे उत्तराखंड के लिए। और थोड़ा पूछना चाहेंगे, क्या नेशनल से आगे भी आप कहीं गई हैं या प्रयास ही कर रही हैं? मेरे दो इंटरनेशनल एशियन चैंपियनशिप खेली है, 2021 में दुबई में, जिसमें मेरा गोल था 60 kg सेम पे। बहुत अच्छी बात। और 2022 में जॉर्डन में हुआ था, जो कि अभी मार्च में हुआ था, उसमें मेरा गोल था। अच्छा, पहले लड़कियां कहती थी हमारी कोई पहचान नहीं है, हम अपने पापा के नाम पे भाई के नाम पे जानी जाती हैं, लेकिन आज आपकी अपनी व्यक्तिगत पहचान है जैसे मैरी कॉम की है। हमें लग रहा है उत्तराखंड की आप भी आने वाले भविष्य में मैरी कॉम बनना चाहेंगी, या यही तक उद्देश्य था आपका? नहीं नहीं, अभी फिलहाल अभी नेक्स्ट मेरा 2024 वर्ल्ड चैंपियनशिप का एम है। अच्छा।
ये बताइए, जहाँ तक आपकी जो उपलब्धि है इसका श्रेय आप किन्हें देंगे? ये जो मेरे कोच हैं, मेरे फाजिल हैं उनको, अच्छा, और बहुत... मेरे जो बुआ है उनको, और मेरे सारी पूरी फैमिली, अच्छा, सबका सहयोग आपको मिलता रहता है। चलो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने अपना अमूल्य समय दिया, आप उन्नति करें यही इच्छा है। थैंक यू। Thank you.
थाने में एफआईआर कराना है, अगर एफआईआर करनी है तो यहाँ फायर हो गया, फिर कार्रवाई चौकी वाले ही करेंगे, रजिस्टर्ड यहाँ थाने में होगी सिटीनेस में। तो आपकी जैसे कोई समस्या होती है तो आप अपने नज़दीकी चौकी में जाएंगे, तो वहाँ अपनी समस्या देंगे तो वो फिर रिफर करेंगे। ये होता है चौकी का। फिर थाने का ऐसी है, सारे अगर चौकी से कोई बात नहीं बन पाती है तो फिर थाने में आते हैं, थाने में वो देखते हैं। इसके बाद फिर उनके ऊपर सुपरविजन ऑफिसर होते हैं, सीओ कहलाते हैं, क्षेत्राधिकारी या डिप्टी एसपी भी कहते हैं उनको, तो वो सुपरविजन करते हैं, कहीं कोई दिक्कत आती है तो वो हस्तक्षेप करते हैं। उसके ऊपर फिर आते हैं एसपी साहब,